हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक कॉमन से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं या कोविड से रिकवर कर चुके हैं, इनके अंदर पोस्ट कोविड कफ डेवलप होने लग जाता है या कई लोगों के अंदर कोविड के दौरान ही खांसी स्टार्ट हो जाती है। उस खांसी को कवर करने के लिए काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उनको अगर सिम्टम्स वाइज अगर दी जाए तो बहुत ही अच्छी जल्दी रिकवरी मिलती है। जो लोग काफ़ी तरीके के कफ सिरप, काफ़ी तरीके की दवाइयां या नुस्खे इस्तेमाल कर चुके होते हैं लेकिन उनकी खांसी अगर ठीक नहीं हो रही हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और उन सिम्टम्स के बेस पे अगर होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्ट करके दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा फायदा और जल्दी आपको रिकवर करने में मदद करती है। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं मेरे प्रैक्टिकल अनुभव आपके साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर करता हूं। और ये भी मेरा अनुभव है कि जिस कोविड-19 की जो फर्स्ट वेव थी, पहली जो लहर थी, उसके अंदर काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए थे। उसके बाद उनके ठीक होने के बावजूद खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। काफ़ी लोगों में लंबे समय तक, महीने, दो दो तीन तीन महीने तक खांसी बनी हुई थी। वो केसेस हमारे पास आए और हमने प्रैक्टिकली कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि काफ़ी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करने से उनको आराम नहीं मिला, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन उनको दी गई और बहुत ही अच्छी रिकवरी मिली। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, सेकेंड वेव के बाद भी लोगों के अंदर खांसी बनी है। कोविड के जो मरीज होते हैं उनमें भी काफ़ी खांसी आती है और कोविड से रिकवर होने के बाद भी उनके अंदर खांसी आती है। तो दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं इससे पहले कि जब कोरोना या कोविड का जो वायरस होता है वो अगर आपने नेजल पैसेज के थ्रू एंटर करता है तो गले के अंदर जुकाम जैसे सिम्टम, नाक से पानी आना, छींके आना, नाक के अंदर इरिटेशन होना, सरदर्द होना, बुखार जैसे सिम्टम्स आना, गले में इरिटेशन, गले में गुदगुदी होना, गले के अंदर आपको एक अलग तरीके का सेंसेशन होना, उसके बाद आपको कई बार लोगों को खांसी स्टार्ट हो जाती है। खांसी के अंदर भी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस वायरस ने आपको कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड किया, कितना वायरल लोड आपके अंदर गया और कितना आपके लंग्स को उसने डैमेज किया। यानी कि जैसे ही वायरस ये गले तक या नाक तक पहुंचता है, वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देता है। उसके दौरान काफ़ी सारा कफ बनता है, गले में इरिटेशन होता है, गले में कफ बनता है, बार बार हमको थूकना पड़ता है, या श्वास नली के अंदर तकलीफ होती है, इरिटेशन होता है, उसकी वजह से खांसी आती है। लंग्स के अंदर जाके वो इन्फेक्शन पैदा करता है, न्यूमोनाइटिस डेवलप करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा कफ लंग्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है। बॉडी उसको बाहर निकालने में के लिए प्रयत्न करती है, उसके दौरान हम लोगों को खांसी आती है और खांसी के अंदर अलग अलग तरीके की कंडीशन बनती है। कुछ लोगों के अंदर छाती में कफ बोलता है, कुछ लोगों के छाती में भारीपन लगता है, सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, बार बार गले को साफ करते हैं, बार बार कफ को आउट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी लोगों के अंदर कफ इतना ज़्यादा चिपक जाता है कि वो बाहर डाल नहीं सकते या बाहर निकाल नहीं सकते, उनको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो सिम्टम्स वाइज उनको प्रॉपर तरीके से अगर सही समय पर दी जाए बहुत अच्छा फायदा उनको देती है। इन मेडिसिन का कोई भी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता है, आसानी से आप यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदर, बड़ों, किसी में भी यूज इनको किया जा सकता है। सेकेंड वेव के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर बच्चों को भी इन्फेक्शन हुआ है, चाहे बच्चों के अंदर खांसी हो या बड़ों के अंदर खांसी हो, तो इन सिम्टम्स के बेस पे आप उन मेडिसिन को सिलेक्ट करके यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है दोस्तों, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो मेडिसिन है ड्रोसेरा 30। ड्रोसेरा 30 पावर की जो मेडिसिन है दोस्तों, इसका जो पेशेंट होता है उसके अंदर खांसी कंटिन्यू आती है, सूखी खांसी आती है, बार बार लगातार खांसी आ जाती है। मरीज थोड़ा सा भी बोलने की कोशिश करता है या हंसने की कोशिश करता है तो उसको खांसी स्टार्ट हो जाती है, गले में इरिटेशन की साथ में खांसी आने लग जाती है, गले में गुदगुदी होके खांसी आपको आ सकती है, या गले के अंदर बार बार ऐसा करता है तो भी खांसी आती है। तो उन केसेस के अंदर ड्रोसेरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, 2 से 5 साल के बच्चे, उनके अंदर 2 बूंद आप 2 चम्मच पानी के अंदर यूज कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार। दोस्तों, इसके अलावा 5 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 2 से 3 बूंद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 8 साल से बड़ी उम्र के जो भी लोग हैं उनके अंदर 5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है जस्टिसिया। जस्टिसिया मदर टिंचर फॉर्म में बहुत अच्छा वर्क करती है, और उन केसेज में ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं जिन लोगों का एक्यूट इन्फेक्शन, रिसेंटली उनको इन्फेक्शन हुआ है वायरस का, उनके अंदर जैसे आपका छाती में आपको कंजेशन लग रहा है, साथ में छींके आ रही है, नाक आपकी बंद हो रही है, इसके साथ में मुंह आपका सूख रहा है, गले में ड्राइनेस लग रही है,
ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो उसके जस्टिस या मदर टेंसर फॉर्म को आप 3 से 5 साल के बच्चों के अंदर 3 से 4 बूंद यूज कर सकते हैं, 5 से 8 साल के बच्चों के अंदर आप 8 से 10 बूंद आधे कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 से जो ऊपर उम्र के हैं उनके 15 से 20 बूंद आप आधा कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दवा को आप गुनगुने पानी में इस्तेमाल करें तो अच्छा फायदा मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में चर्चा करूंगा वो दोस्तों कोरेलियम रूब्रम। सब मेडिसिन के जो है हम नाम स्क्रीन पे डाल देंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन कोरेलियम रूब्रम जो मरीज पेशेंट होते हैं इसके इनके अंदर जो खांसी आती है वो लगातार खांसी आती है, लगातार खांसने के दौरान उनको बीच में गैप भी नहीं मिलता, यानी खांसी इतनी फास्ट आती है कि उसके दौरान खांसते खांसते मरीज एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, और उसकी वजह से उसके जो एयर पैसेज होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हल्का सा सांस लेने से भी उनको महसूस होता है उनको खांसी स्टार्ट हो जाती है, उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है कोरेलियम रूब्रम 30 पावर। इसकी भी आप यूज कर सकते हैं ड्रोसेरा 30 पावर की तरह। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम। एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम के जो मरीज होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपके लंग्स के अंदर आपके गले के अंदर कफ बनता है, वो कफ बाहर निकालने के लिए आपको बार बार खांसना पड़ता है, बार बार खांसी आती है, उसकी वजह से आपको वीकनेस महसूस होने लग जाती है, उनके अंदर एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी पावर भी 30 पावर को आप जिस तरीके से ड्रोसेरा और कोरेलियम रूब्रम को यूज करते हैं उसी तरीके से इसकी डोजेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है सेनेका। सेनेका दवा को मदर टिंचर फॉर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और इसके जो मरीज होते हैं इन लोगों को पोस्ट कोविड के बाद में जिन लोगों को छाती में जकड़ाहट, छाती में भारीपन, सीढ़ियां चढ़ने से वो हांफने लग जाते हैं, कफ अंदर ऐसे जमा हो जाता है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है, उसकी वजह से उनको खांसी का जो कफ होता है उनको बाहर निकालने में बड़ी तकलीफ होती है, उसको आसानी से वो निकाल नहीं पाते हैं, उन लोगों के अंदर साथ में जिन लोगों की आवाज़ बैठ जाती है बार बार खांसने की वजह से या आपके लेरिंग्स के अंदर इरिटेशन की वजह से आपकी आवाज़ बैठती है, तो उन केसेज में बहुत अच्छा वर्क करती है सेनेका मदर टिंचर। इसकी पावर भी दोस्तों जिस तरीके से जस्टिसिया मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है उसी की डोजेज के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे वो दोस्तों सेम्बुकस नाइग्रा। सेम्बुकस नाइग्रा उन केसेस में अच्छा काम करती है या छोटे बच्चों के अंदर अच्छा काम करती है जिन लोगों को खांसी आती है, साथ में जुखाम की शिकायत रहती है, नाक बार बार उनका बंद रहता है, उसके साथ में रात को बच्चे सो नहीं पाते हैं, रात में नींद के अंदर खांसते खांसते उठ जाते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा वर्क करती है। जिन बच्चों के छाती के अंदर काफ़ी कफ बोलता है, कफ की आवाज़ आती है, खांसने के साथ अपन को आवाज़ सुनाई देती है, उनके अंदर सेम्बुकस नाइग्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके अंदर 3 से 5 साल के बच्चों के अंदर 2 बूंद आप 2 चम्मच पानी के अंदर दे सकते हैं, 5 साल से 8 साल के बच्चों को 3 से 4 बूंद आप चौथाई कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े लोगों के अंदर 8 साल के जो बड़ी उम्र के हैं उनके अंदर 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दवा छोटे बच्चों 6 महीने के बच्चों को ऊपर को भी दिया जा सकता है और 6 महीने के छोटे बच्चों को भी यूज किया जा सकती है। माँ के दूध के अंदर या माँ का जो ब्रेस्ट फीड होता है उसको 1 चम्मच स्टरलाइज चम्मच के अंदर निकाल के उसके अंदर 1 बूंद डाल के आप दे सकते हैं, बच्चे की नाक तुरंत खुलने लग जाती है, बच्चे के अंदर जो सांस के अंदर कई बार आवाजें सुनाई देती है वो आवाजों के अंदर बहुत बेहतरीन फायदा करती है ये मेडिसिन। तो दोस्तों इन मेडिसिन को आप अगर समझ पाते हैं, आप अगर अच्छी जानकारी रखते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेके भी इन दवाओं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या उनकी सलाह के अनुसार और भी बहुत सारी होम्योपैथी के अंदर मेडिसिंस आती हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें हैं इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स वो कवर करते हैं उनके अनुसार दी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन भी हमसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और समय हमारे साथ बना रहे। जय हिंद, जय होम्योपैथी।